बिल्कुल नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम जाट शर्मा और आज जब वन प्लस नॉर्ड के बारे में एक इंपॉर्टेंट इशू के बारे में जो है वो डिस्कस करने वाले हैं। मैंने मेरे सेकंड चैनल के ऊपर इस वाले टॉपिक के बारे में जो है वो वीडियो बनाई थी, जिसके अंदर मैंने बताया था कि वन प्लस नॉर्ड के अंदर जो है वो डिस्प्ले के इशूज जो है वो आ रहे हैं और मुझे कोई से भी ऐसे इशूज जो है महसूस नहीं हुए, गॉड होप्स वगैरह करके मैंने बोला था सब कुछ। और काफ़ी लोगों ने वाली वीडियो देखी भी थी और टू बी ऑनेस्ट मेरे को उस वक्त इशूज आए भी नहीं थे, बट बदकिस्मती से मुझे भी वन प्लस नॉर्ड के अंदर जो है वो डिस्प्ले के इशूज आ रहे हैं। और आपको अगर आपने वन प्लस नॉट लिया है अभी रिसेंटली तो हो सकता है कि आपको भी आ रहे हो। आपको कुछ भी नहीं करना, बस क्रोम के अंदर जाना है, इनकोग्निटो मोड ऑन करना है और उसके बाद कुछ भी नहीं करना, आपको बस ब्राइटनेस को लो करना है और जैसे आप ब्राइटनेस को लो करोगे तो आपको हल्का फुल्का टेंट जो है वो दिखना चालू हो जाएगा। और अगर आपको अच्छे से उस वाले टेंट को देखना है तो किसी भी फोन के अंदर जो है अगर आप नाइट मोड ऑन करके फोटो लोगे तो वो फोटो के अंदर जो है वो काफी ज्यादा शानदार तरीके से आएगा। तो मैंने अपने आईफोन के अंदर ये वाली फोटो जो है वो ली थी और जो टेंट है वो बहुत ही ज्यादा भयंकर तरीके से दिख रहा है, ना ही सिर्फ आपके इनकोग्निटो मोड के अंदर बल्कि अगर आप अपना जो डार्क मोड ऑन करके अगर आप डायलर वाले ऐप की भी फोटो लेते हो तो भी आपको टिंट जो है वो महसूस होएगा। और ये जो है OnePlus वाले बोल रहे हैं कि अपडेट के बाद सॉल्व हो जाएगा और ये सुनेवर की चीजें बोल रहे थे एक हफ्ते पहले। और अभी रिसेंटली कल ही जब मैं एक वीडियो बना रहा था OnePlus Nord के ऊपर, तब एक अपडेट आया था जिसके अंदर बोल रहा था कि जो अपडेट है वो सिस्टम स्टेबिलिटी को इंप्रूव करेगा और ये सारी सारी चीजें जो है वो इंप्रूव करेगा और 150 MB समथिंग का अपडेट था और मैंने वाला अपडेट करा बट ये वाली प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई। और अब जो है मैं काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट स्पॉट में हूँ क्योंकि अभी तक फ़ोन की रिटर्न डेट जो है वो नहीं निकली है। किस्मत से मैं अमेज़ॉन को ये वाला फ़ोन जो है वो रिटर्न कर सकता हूँ ये बोल के कि वन प्लस नॉट जो है मेरा ख़राब आया है और आप इसको रिटर्न करो, लेकिन वो अमेज़ॉन वाले भी जो है वो रिप्लेसमेंट ऑफर करेंगे ना कि डायरेक्ट रिटर्न। तो मतलब कि अगर रिप्लेसमेंट प्रोडक्ट के अंदर भी मुझे कोई सी प्रॉब्लम निकलती है तो फिर मेरे को और ज़्यादा टाइम वेट करना पड़ेगा रिटर्न के लिए और दुनिया भरी चीज़ें होंगी। बट अभी तक मैंने इस वाले फ़ोन का रिव्यू भी नहीं बनाया है, मतलब मेरे चैनल के ऊपर अभी तक इस वाले फ़ोन का रिव्यू भी नहीं आया है और अभी से ही ऐसी प्रॉब्लम जो है वो आना स्टार्ट हो चुकी हैं। तो अब मैं इस वाले फ़ोन को किसी को भी रिकमेंड नहीं कर सकता, मतलब कि इवेंचुअली मैं इस वाले फ़ोन को बेचता, मतलब कि अगर मैं इसको ऑलरेडी ऑब्वियसली बात है कि मैं इसको रखने नहीं वाला था, मैं इसको सेकेंड हैंड मार्केट में जाकर बेचता ही सही। और अब मैं उसको ये कह के नहीं बेच सकता कि यार फोन जो है बिल्कुल परफेक्ट कंडीशन में है, बिल्कुल भी कोई भी चीज़ खराब नहीं है, क्योंकि मुझे अंदर से पता है कि इसके अंदर जो है वो खराब है। और अगर मैं इसको नहीं भी बेचता सेकेंड हैंड मार्केट में तो फिर मैं किसी को एज अ मेरे फ्रेंड को दे देता, अगर उसको बेच देता थोड़े सस्ते के अंदर या फिर मेरी बहन को दे देता। बट अब मैं उन सबको एक तरीके से ऐसे ट्रस्ट के साथ ना ही इस वाले फ़ोन को बेच सकता हूँ और ना ही किसी को रिकमेंड कर सकता हूँ। जब मैंने इस वाले फ़ोन की फोटो खींच के इंस्टाग्राम पर डाली थी तो काफ़ी लोगों ने मुझसे पूछा था कि क्या ये वाला फ़ोन जो है वो वर्थ है, क्या इस वाले फ़ोन को आप ले सकते हो, क्या ये सब चीज़ें हो सकती हैं। तो मैंने उन सबको बोल दिया था क्योंकि मुझे उस वक्त तो कोई सी प्रॉब्लम नहीं आई थी और मैंने उनको बोल दिया था कि हाँ ये अच्छा फ़ोन है, आप मैं इसको रिकमेंड कर सकता हूँ, बट ये नहीं है। और अब मुझे जो है वो डाउट हो रहा है कि क्या ये सही फ़ोन है भी सही या फिर नहीं है, क्योंकि अभी रिसेंटली मेरा OnePlus 60 जो है वो खराब हुआ था, मैंने उस वाली वीडियो के अंदर मेंशन करा था। और जब एक फ़ोन खराब होता है तब अंदर से जो है वो दुख होता है और OnePlus की इंडिया के अंदर इतनी ज़्यादा खराब सिचुएशन है कि इसके सर्विस सेंटर्स जो है वो हर जगह पर नहीं है। तो ऐसा नहीं है कि कल मैं इसको सर्विस सेंटर पर लेके जाऊँ और मैं उसको बोलूँ कि मेरे जो नॉट है मैंने कल ही खरीदा, इसका डिस्प्ले जो है खराब है और फटाक से वो रिप्लेस करके दे देंगे, ऐसा नहीं होएगा बिल्कुल भी। क्योंकि मेरे शहर कोटा राजस्थान जो कि काफ़ी ज़्यादा बड़ा शहर है एज़ कम्पेयर टू दूसरे शहरों के, तो इसके अंदर तक जो है वो सर्विस सेंटर नहीं है। राजस्थान के अंदर सिर्फ इक्का दुक्का सर्विस सेंटर है और जब आप OnePlus वगैरह को चैट वगैरह करते हो, कॉल वगैरह करते हो, तो अभी जो है वो किसी का भी रिप्लाई वगैरह नहीं करते। मतलब चैट के अंदर मेरी जो पोजीशन थी वो 54 पोजीशन पर आ रही थी और कॉल तो वो लोग उठा ही नहीं देते। तो मैंने उनको मेल डाला और मेल के अंदर उन लोगों ने बोला था कि 24 से 48 आवर्स के अंदर वो लोग मुझे रिप्लाई करेंगे और उन्होंने ऐसा नहीं करा, उन्होंने लगभग मुझे 5 दिन बाद रिप्लाई करा था और उसके अंदर भी उन्होंने ये बोला था कि आप जो है फ़ोन कुरियर कर दो। और बदकिस्मती से मेरा OnePlus 60 जब ख़राब हुआ था तो उसकी आउट ऑफ वारंटी हो चुका था वाला स्मार्टफोन और उसकी वजह से जो है वो 7 से 8 हज़ार रुपये मांग रहे थे डिस्प्ले ठीक करने के। अब वो वाली डिस्प्ले जो है वो नॉर्मल से डिस्प्ले थी, मतलब 60Hz डिस्प्ले थी और ये जो है वो फ्लूइड एमोलेड डिस्प्ले है, 90Hz की डिस्प्ले और ऊपर से इसके अंदर जो है वो फिंगरप्रिंट स्कैनर वगैरह जो है भयंकर वाला आ रहा है। तो अपेरेंटली इसकी डिस्प्ले की प्राइस भी जो है वो ज़्यादा होगी, लगभग 10,000 के आसपास तो हुई किसी OnePlus Nord की। मैंने ऑफिशियली चेक नहीं करा, मैं सिर्फ और सिर्फ गेस कह रहा हूँ कि हो सकता है कि इसकी डिस्प्ले जो है वो 9-10 हज़ार के आसपास की हो। तो आपने 30,000 का फ़ोन खरीदा और आने वाले दिनों में आप 24,000 का फ़ोन खरीदोगे, सितंबर के अंदर 24,000 वाला वेरिएंट जो है वो रिलीज होएगा, तो उसके अंदर 10,000 की तो इसकी डिस्प्ले ही है और उसके अंदर ही अगर इशू निकल रहा है और काफ़ी ज़्यादा लोग जो है इसको पाई पाई जोड़ के, काफ़ी ज़्यादा कॉलेज के बच्चे जो है मैं देख रहा हूँ वो काफ़ी ज़्यादा पैसे जोड़ के सेविंग्स करके इस वाले स्मार्टफोन को ले रहे हैं। और टू बी ऑनेस्ट अब मैं उनको रिकमेंड नहीं कर सकता
क्योंकि ये दूसरी बार हो रहा है। OnePlus 8 के अंदर भी ऐसी प्रॉब्लम्स हुई थी और OnePlus 8 Pro के अंदर भी ऐसी प्रॉब्लम्स हुई थी, OnePlus 8 Nord के अंदर भी ऐसी प्रॉब्लम हो रही है। तो अब मुझे नहीं पता कि मैं इस वाले फोन को OnePlus के फोन को रिकमेंड कर सकता हूँ या नहीं कर सकता। एंड टू बी ऑनेस्ट मुझे डाउट हो रहा है कि मैं क्या करूँ इस वाले सिचुएशन के अंदर, क्या मैं इस वाले फोन को रिटर्न कर दूँ बिना रिव्यू करे, क्योंकि रिव्यू करने में अच्छा खासा टाइम लगता है और जब तक मैं वो वाला टाइम लूंगा तब तक Amazon की जो रिटर्न डेट है वो निकल जाएगी। तो आई एम इन अ टफ स्पॉट राइट नाउ। तो देखते हैं, थोड़ा सा और वेट करूंगा मैं, कम से कम 10 तारीख तक तो वेट करूंगा ही सही, और उस टाइम के अंदर मैं जो है वो रिव्यू वगैरह बना लूंगा इस वाले स्मार्टफोन का और सारी की सारी चीजें जो है कंप्लीट कर सकता हूं मैं कंप्लीट कर दूंगा और अपडेट का इंतजार करूंगा। अगर तब तक अपडेट एक और आ जाता है और ये वाली प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है तब मैं फिर भी इसका एक और अपडेट वीडियो बना दूंगा इस वाली वीडियो की, लेकिन तब तक के लिए तो सचमुच में सोचने वाली बात है कि आपको स्मार्टफोन लेना चाहिए या फिर नहीं लेना चाहिए। और यही थी मेरी वीडियो OnePlus Nord के डिस्प्ले इशू के ऊपर। आई होप आपको वीडियो पसंद आई, लाइक करना इस वाली वीडियो को, सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को और बेल आइकन को दबाना मत भूलना, इंस्टाग्राम मुझे फॉलो करना और सेकंड चैनल भी मैंने बना लिया उसको भी सब्सक्राइब करना, लिंक जो है सबके डिस्क्रिप्शन में दे रखी है मैंने। एंड दिस इज मिस्टर सैनी को भाइयों जी हां कौन, नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जाव शर्मा।